गुड मॉर्निंग भाई लोग। भाई गर्मी तो बहुत है, पर आज आपको ऐसी जगह लेके चलेंगे, ऐसी डिवाइन जगह लेके चलूँगा ना कि जहाँ जिसको देख के रूह को शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। जी हाँ, गोल्डन टेम्पल। तो सुबह हो गई है, सुबह क्या दोपहर ही हो गई है। तो रेडी होते हैं, नहाते धोते हैं, फिर चलते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका बाली और ऑल सेट हो गया है, पूरा रेडी हो गया है। ट्रैवलिंग के हिसाब से मैंने पूरा अपना सामान ले लिया है, फिल्टर कॉफ़ी बनाने का सामान वो भी ले लिया है। वो गर्मी बहुत है इसलिए मैं फोर व्हीलर से ही जा रहा हूं, बाइक घर पे ही रहेगी। और एक अपडेट, अभी कल मेरे को फिर पता लगा है कि मेरी जो मेट्योर थी जो गंगानगर राजस्थान में, उसके साथ एक बहुत बड़ा सीन हो गया है। पार्किंग में खड़ी थी वो, मैं आपको गंगानगर जाने के बाद ही बताऊँगा। तो फिलहाल जाते हैं गोल्डन टेम्पल। तो जम्मू से निकल चुके हैं हम, तो टैंक फुल करवा लिया है। और जम्मू से गोल्डन टेम्पल का डिस्टेंस 250 किलोमीटर है और ये लगभग 2.5 से 3 घंटे हमें लगेंगे। तो अभी टाइम हुआ है 4:05 और 6:30 के करीब हम उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक रहा तो पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी। जम्मू से अभी इंटर कर रहे हैं हम पंजाब में। और पंजाब में अभी पिछले 1.5 साल से जब भी हम जम्मू में आते हैं ना, तो इधर कोरोना की चेकिंग, उधर आपको या तो कोरोना का टेस्ट देना पड़ेगा, फिर वो फॉर्म भरना पड़ेगा, इतनी फॉर्मेलिटी है, मतलब कि आधा घंटा आपका इधर लग जाता है। और पिछले 1.5 साल से यही रूटीन है। और जब भी हमने जम्मू से बाहर जाना हो, जैसे अभी पंजाब में मैं इंटर कर रहा हूँ, अभी रावी नदी के ऊपर हूँ, अभी क्रॉस करने के बाद पंजाब आ जाएगा, उधर कोई चेकिंग नहीं हो रही। पिछले 1.5 साल जब कोरोना था तब भी उधर कोई चेकिंग नहीं है, पर जब भी जम्मू आओ, वापस आओ, तो यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, ट्रैवल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, आप कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे हैं, फॉर्म फिल कराओ। और इतनी भीड़ होती है जहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है ना, तो इसका फ़ायदा पता नहीं क्या है। कमेंट करके आप बताना कि क्या इससे जम्मू वालों को फ़ायदा हुआ है या नुकसान। और दूसरी बात है, जो बस से आते हैं बाहर से, जो कोई राजस्थान से या दिल्ली से आ रहे हैं, तो बस वाले इधर ही उतार देते हैं उनको, इधर ही उतार के लखनपुर उतार के, और किराया पूरा जम्मू का ले रहे हैं बस वाले। और सफर कर रहे हैं आम लोग, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग सफर कर रहे हैं। और इससे फायदा क्या हो रहा है वो तो भगवान ही जाने। अगर आपको भी फायदा इसका पता है तो प्लीज कमेंट करना। अभी पंजाब में घुस गए हम, और देखियो कोई इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा, हम घुस गए पंजाब में। तो अभी हम पहुंचे हैं जस्ट अभी गुरु की नगरी गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब में। अभी पार्किंग में गाड़ी लगा के कमरा देखेंगे एक अपने लिए, कमरा देख के सामान रख के उसके बाद जाएंगे हम गोल्डन टेम्पल। मिलते हैं वहीं। और बहुत ही दिनों बाद ये रौनक लौट के आई है बाज़ारों में, और वाहेगुरु ऐसी ही कृपा बनाई रखें। और अभी आप देख रहे हैं जलियांवाला बाग स्मारक, और यहाँ पे जो शहीद हुए थे उन्हीं की याद में एक स्मारक बनाया गया है। और जब भी आप हरमंदिर साहिब आते हैं तो ये बीचों बीच रास्ते में आप इसी के पास से होकर गुज़रते हैं। और अभी आप देख रहे हैं दर्शन द्योरी, और ये एक मेन द्वार है हरमंदिर साहब में प्रवेश करने का।
भाई आज वीकेंड था तो वीकेंड पे रूम्स मिलना बहुत मुश्किल है। अभी आखिर में अभी एक किस होटल में मेरे को रूम मिला है, देखिए आप भी, होटल ली गोल्डन, इसी में रूम मिला है। ढूंढते ढूंढते अभी आपका अंदर रूम दिखाता हूँ। भाई कम से कम 10 होटल हमने चेक किए होंगे पर कहीं भी रूम नहीं मिल रहा था। अभी लास्ट में आके होटल ली गोल्डन करके, गोल्डन टेम्पल्स के बिल्कुल गेट के सामने ही है, वहाँ मिला है रूम। अच्छा है, दो डबल बेड लगे हुए हैं और अटैच बाथरूम, अच्छा रूम है, एयर कंडीशन। और अभी थोड़ा आराम करेंगे, नहा धो के खाना खा के सुबह जल्दी उठेंगे, तो सुबह मिलते हैं आपको मैं अर्ली मॉर्निंग, तो आपको पूरा दर्शन करवाऊंगा गोल्डन टेम्पल के। और पूरी मेरी पीठ ना पसीने से भीग गई है, देखो इतनी गर्मी है, घूम 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 घूम। ओके मिलते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, बाय बाय। लो जी करो दर्शन दरबार साहिब। तो भाई अभी दर्शन करने के बाद हम थोड़ा बाज़ार में शॉपिंग के लिए आए हैं, पर बाहर निकल के इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना भाई कि शॉपिंग तो अभी हमने कैंसिल ही कर दी है। पर फिर भी मैं आपको एक मोबाइल शॉप पे यहाँ पे ले जाऊँगा जो कि जो हमारी फ्लाईओवर वाली पार्किंग है उसके, उससे अगर जहाँ हम दरबार साहब में आते हैं तो राइट साइड में फर्स्ट शॉप वो मोबाइल शॉप की पड़ती है, तो अच्छी मोबाइल एक्सेसरी वहाँ पर मिलती है, तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। तो ये रही वो दुकान, आप जब भी अमृतसर आएँ तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और अमृतसर में अगर आओ तो पंजाबी जूती अगर ना लेके जाओ तो क्या फ़ायदा। और भाई कैसी लगी ये वीडियो आपको, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।